धरती बेच देंगे, गगन बेच देंगे, देशवासियों अगर अब भी न चेते तो ये सारे गद्दार मिलकर अपना वतन बेच देंगे। बीते 7 वर्षों में मोदी सरकार देश को दीमक की तरह खोखला करने में लगी है। बेशर्मी की सारी सीमाएं लांघ दी गई हैं। अंग्रेज की नीति बांटो और राज करो थी और मोदी सरकार बांटो और लूटो की नीति पर चल रही है। जिस राष्ट्रीय संपत्ति को बनाने में 7 दशक का समय लगा उसे महज 7 वर्षों में कॉर्पोरेट के यारों ने मिलकर नीलाम कर दिया। वित्त वर्ष 2021-22 में मोदी सरकार आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के निजीकरण या विनिवेश की योजना बना रही है। हाल ही में एयर इंडिया की बिक्री से मोदी सरकार ने करीब 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अभी तक करीब 26,369,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने सरकारी संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर कमाए हैं। अब जिन कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर सरकार अपनी जेबें भरेगी उसकी लिस्ट जरा ध्यान से देखिए। LIC, केंद्र सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सेदारी बेचकर अपना खजाना भरेगी। BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का सरकार पूरी तरह से निजीकरण करने जा रही है। इसके लिए दिसंबर तक फाइनेंशियल बिड बुलाई जा सकती है। भारत पेट्रोलियम में सरकार की 53% हिस्सेदारी है जिसकी कीमत करीब 50,000 करोड़ रुपए है। IDBI बैंक, कैबिनेट ने IDBI बैंक में रणनीतिक विनिवेश और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर के लिए मंजूरी दे दी है। इस बैंक में केंद्र सरकार और LIC की 94% हिस्सेदारी है जिसमें LIC की 49.24% और सरकार की 45.48% हिस्सेदारी है। इसके अलावा 5.29% हिस्सेदारी अन्य निवेशकों की है। मोदी जी, बेचना आसान काम है, बनाना मुश्किल। चाय बेचने की लत आपको ऐसी पड़ी कि आपने राष्ट्रीय संपत्तियों को भी नीलाम कर दिया। सरकार और जुआरी में अब क्या फर्क रह गया है मोदी जी? जुआरी गहने जेवर गिरवी रखता है, अपने घर को नीलाम कर देता है और अंत में सब कुछ हार जाता है। ठीक उसी तरह सरकार भी देश की संपत्ति बेचने में लगी है जिसे बड़े जतन से खड़ा किया गया ताकि देशवासियों के काम आ सके, लेकिन मोदी सरकार अपने चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगी है। मोदी सरकार पूरी तरह से निजी हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गई है।